मछुआ विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाम के 5 बज चुके हैं और अब इसी के साथ चुनाव प्रचार थम गया है। अब डोर टू डोर प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन आखिर भाजपा सपा बसपा जीत का ताज किसके सिर पे बंधेगा? ये भविष्य में जब 20 तारीख को चुनाव है और उसके बाद जब मतगणना होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो फील्ड में जो रिपोर्टर जो संवाददाता इस समय लगातार मूव कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं और जो कि वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उससे रूबरू हुए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है मछुआ में अभी तक की। आज विजयन जी, क्या स्थिति है अभी मछुआ में? देखिए, मछुआ में जो स्थिति है, भाजपा जो कि सत्ता में है और उपचुनाव सत्ता का कहा जाता है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री 3 बार सभा कर चुके, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री लगभग 3-3 बार सभा कर चुके और नुक्कड़ सभाएँ किए हैं ये उप मुख्यमंत्री। तो जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा कमज़ोर पड़ रही है, इसकी वजह से ये इतने सारे मंत्री लगे हुए हैं, हर जाति में हर मंत्री लगे हुए हैं, लोग अपनी अपनी जातियों को भाजपा के लिए मेंटेन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति बिंद और अखिलेश यादव लगातार अपने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिस जाति का है उस जाति का करके वहाँ पर भी अपना समीकरण फिट कर रहे हैं। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी से दीपक तिवारी उर्फ दीपू, वो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और मझवा जो निर्णायक वोट होता है वो ब्राह्मण और बिंद होता है। तो कल मैं गया था फील्ड में तो थोड़ा सा हमको सुनने को मिला कि ब्राह्मण के तरफ से ये सुनने को मिला कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो इसका साफ संदेश, एक दो नहीं, करीब हम मैं 200 लोग से बात किया तो मझवा में इस वक्त ये नारा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएसपी बीजेपी को डैमेज कर रही है और बीजेपी डैमेज होगी तो सपा को फायदा पहुंचेगा। तो बीएसपी ज़्यादा अच्छा लड़ रही, अगर जितना अच्छा बीएसपी लड़ेगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा। अभी तक जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी अभी तक मजबूत स्थिति में है और लड़ाई बीजेपी से है लेकिन डैमेज कर रही है उसमें बीएसपी। चलिए, अब आज तक के सुरेश जी के पास पहुंचते हैं। जैसा कि ने कहना है कि बीएसपी भाजपा को डैमेज कर रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, अगर माना जाए, अगर 22 का चुनाव आप देखेंगे तो 22 के चुनाव में एक तरफा एक तरीके से 32-33 हज़ार की जीत हुई थी विनोद बिंद की, लेकिन ये चुनाव जब आप देखेंगे उपचुनाव का, तो इस उपचुनाव में रमेश बिंद का समाजवादी पार्टी की तरफ जाना एक तरीके से गेम चेंजर है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी ये सीट कभी नहीं जीत पाई है, बसपा लगातार ये 5 बार सीट जीती है लेकिन उसमें भी 3 बार योगदान रमेश बिंद का है। तो हम तो ये कहते हैं कि रमेश बिंद ही एक बड़ा फैक्टर है जिताने और हराने का। दूसरी बात, जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है यहां पे, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। इससे पहले जो सुष्मिता मौर्य हैं उनके ससुर यहां से जीत चुके हैं, वो भी 96 में जीत चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक ट्रेडिशनल सीट है और एक तरीके से आजमाया हुआ सीट है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। लेकिन वर्तमान अगर फैक्टर की बात करें तो रमेश बिंद के जाने से कई समीकरण डगमगाए हैं मझुआ के, खासतौर से जो बिंद कभी लोकसभा चुनाव में आधा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया था, वो वोट परसेंटेज इस बार उपचुनाव में गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि ज्योति बिंद आई हुई है। तो एक तरीके से बिंद समाज ये मान रहा है कि मेरी बेटी है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे बसपा की, तो बसपा में दीपू तिवारी हैं, ये पहली बार मायावती ने एक ब्राह्मण इंजीनियरिंग या सोशल इंजीनियरिंग की बात की है और उन्होंने दिया भी है। इससे पहले ब्राह्मण कैंडिडेट बसपा कभी नहीं उतारी है लेकिन पहली बार उन्होंने आजमाया है, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण, बिंद, जाट, दलित सबसे अधिक ये 3 की संख्या है। ज्योति बिंद अगर बिंद कैंडिडेट हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर दीपू तिवारी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, सबसे बड़ा किंग मेकर इस पूरे चुनाव में ब्राह्मण मतदाता होने जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता एक ऐसा मतदाता है कि अगर वो जिसको चाहेगा उसको जिताएगा। हम लोगों ने जितने चौपाल किए हैं, जितने लोगों के पास गए हैं, ये एक बात तो क्लियर होकर निकली है कि बिंद समाज पोलराइज हो रहा है ज्योति बिंद के तरफ। ब्राह्मण समाज अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज है, कहीं बात हो रही है कि वो अपने क्या अपने जात की तरफ जाएंगे, लेकिन जो मझुआ में चुनाव में अक्सर देखा गया है, जो ट्रेडिशनल वहाँ का चुनाव वार होता है, वो अंत में जाके 2 पार्टियों के बीच सिमट जाता है, एक समाजवादी पार्टी या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के बीच। ये मझुआ का राजनीतिक एक ट्रेडिशनल ये वहाँ की लड़ाई है। तो आप ये समझिए कि 2 दिन में क्लियर हुआ कि ब्राह्मण मतदाता कहाँ जा रहा है। अगर ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार की तरह, जैसे लोकसभा चुनाव 24 में हुआ है, अगर वो रुका रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए
कोई मुश्किल नहीं होनी होगी। लेकिन अगर 30% वोट भी अगर ब्राह्मण समाज का ये काटते हैं दीपू तिवारी, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल वोट यहाँ से गया। अब ओबीसी काफ़ी हद तक ऐसे वोटर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार किनारा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। खासतौर से हम आपको बता दें, संजय निषाद वाले प्रकरण के कारण, जो गंगा के तराई वाले बेल्ट में निषाद समाज के करीब 20 से 25 हज़ार वोटर हैं, जो कि कछुआँ से लगा हुआ, मझुआँ से लगा हुआ, सिटी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इस बार वो थोड़ा सा उतना मुखर नहीं है। 2024 की लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि संजय निषाद ने वहाँ पे अच्छा खासा मेहनत किया, लेकिन इस बार संजय निषाद खुद नहीं आए। तो आप ये समझिए कि ये वोट कहाँ जा रहा है, 20 से 25 हज़ार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं ये वोट सपा के खाते में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस PDA या जिस LIS की बात कर रही है उसके हिसाब से। तो हम ये मान के चलते हैं कि किंग मेकर बसपा के प्रत्याशी हैं। अगर वो सफलता जितनी पाएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी जीत से दूर होगी, अगर वो जितनी सफलता पाएंगे समाजवादी पार्टी उतनी जीत के नज़दीक होगी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कंफ्यूजन अभी एक दो दिन तक और रहेगा, 20 तक हो सकता है चीज़ें क्लियर हो जाए, अगर ब्राह्मण समाज को लगे कि ये नहीं जीत रहे हैं। चूँकि ये इससे पहले भी रहा है कि रमेश बिंद के एंटी ब्राह्मण समाज ने वोटिंग किया है, लेकिन इस बार वो एग्रेसिवपन ब्राह्मण समाज में नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा। वो ब्राह्मण समाज की वेट एंड वॉच की स्थिति है। तो यही स्थिति है अभी, कुल मिला के त्रिकोणी लड़ाई में फंसी है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं जी, तो आपको कैसा क्या यहाँ पर क्या सीनरी नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो हमारे पत्रकार साथियों ने बताया आपको, मझुआ में विकास भी कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ पे जो शुरू से भी जो भी चुनाव हुए हैं अभी तक, वो जातिगत आधार पे हैं। और मझुआ में इस बार रमेश बिंद बढ़त बनाए हुए थे, पार्टी को जीत के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी होगी। लेकिन अगर 30% वोट भी अगर ब्राह्मण समाज का ये काटते हैं दीपू तिवारी, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल वोट यहाँ से गया। अब ओबीसी काफ़ी हद तक ऐसे वोटर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार किनारा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। खासतौर से हम आपको बता दें, संजय निषाद वाले प्रकरण के कारण, जो गंगा के तराई वाले बेल्ट में निषाद समाज के करीब 20 से 25 हज़ार वोटर हैं, जो कि कछुआँ से लगा हुआ, मझुआँ से लगा हुआ, सिटी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इस बार वो थोड़ा सा उतना मुखर नहीं है। 2024 की लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि संजय निषाद ने वहाँ पे अच्छा खासा मेहनत किया, लेकिन इस बार संजय निषाद खुद नहीं आए। तो आप ये समझिए कि ये वोट कहाँ जा रहा है, 20 से 25 हज़ार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं ये वोट सपा के खाते में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस PDA या जिस LIS की बात कर रही है उसके हिसाब से। तो हम ये मान के चलते हैं कि किंग मेकर बसपा के प्रत्याशी हैं। अगर वो सफलता जितनी पाएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी जीत से दूर होगी, अगर वो जितनी सफलता पाएंगे समाजवादी पार्टी उतनी जीत के नज़दीक होगी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कंफ्यूजन अभी एक दो दिन तक और रहेगा, 20 तक हो सकता है चीज़ें क्लियर हो जाए, अगर ब्राह्मण समाज को लगे कि ये नहीं जीत रहे हैं। चूँकि ये इससे पहले भी रहा है कि रमेश बिंद के एंटी ब्राह्मण समाज ने वोटिंग किया है, लेकिन इस बार वो एग्रेसिवपन ब्राह्मण समाज में नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा। वो ब्राह्मण समाज की वेट एंड वॉच की स्थिति है। तो यही स्थिति है अभी, कुल मिला के त्रिकोणी लड़ाई में फंसी है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं जी, तो आपको कैसा क्या यहाँ पर क्या सीनरी नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो हमारे पत्रकार साथियों ने बताया आपको, मझुआ में विकास भी कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ पे जो शुरू से भी जो भी चुनाव हुए हैं अभी तक, वो जातिगत आधार पे हैं। और मझुआ में इस बार रमेश बिंद बढ़त बनाए हुए थे, सपा बढ़त बनाई हुई थी, और सपा कभी जीती नहीं है। सपा को भरोसा है कि रमेश बिंद बसपा से 3 बार के विधायक हैं, तो ये बसपा का वोट कन्वर्ट करेंगे सपा में, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया गया है। और बाकी जो लोगों ने कहा, तो ब्राह्मण मतदाता निर्णायक है, लेकिन ब्राह्मण अभी भी वहाँ पर असमंजस की स्थिति में है। वो सोच रहा है कि हम बसपा के साथ जाएँ कि भाजपा के साथ जाएँ। रमेश बिंद के साथ जा ही नहीं सकती वो, इसलिए कि रमेश बिंद हमेशा ब्राह्मण और सवर्ण को गाली देते रहते हैं। उनकी ये उस क्षेत्र में लोकप्रियता कह लीजिए या जो भी कहिए अपनी भाषा में, और इसलिए ब्राह्मण ही निर्णायक है। और ब्राह्मण अगर बसपा के साथ नहीं जा रहा है, तो भाजपा को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकती। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री तिवारी जी हैं और रिपब्लिक भारत के ब्यूरो चीफ भी हैं।
श्री तिवारी जी, आपका क्या कहना है, क्या नजरिया है इस पूरे चुनाव? देखिए, मेरा जो नजरिया, जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, सत्ता का चुनाव है, और हमको जो लगता है इस समय चुनाव मामले, जो सभी ने बताया, ब्राह्मण बताओ, वो बिल्कुल फैक्ट है कि ब्राह्मण जीत जाएगा, वो चुनाव जीतेगा। मगर जहाँ हमें जो लगता है, जो कार्य बहुजन समाज पार्टी के जो दीपक तिवारी दीपू जी खड़े हैं, वो ब्राह्मण का वोट पाएंगे, तो हमें तो नहीं लगता कि उनको वोट पाएंगे। हमको जो हमारा जो हमने जो सर्वे किया है, ब्राह्मण मतदाता भाजपा को ही वोट देने जा रहा है, क्योंकि रमेश बिंद को खिलाफ वो वोटिंग करेगा, ये सब जानते हैं कि रमेश बिंद खिलाफ वोटिंग करेगा। तो हमारा जो अपना मानना है, ब्राह्मण मतदाता जो है उस तरह भाजपा को वोट करने जा रहा है, न चाहते हुए भी, क्योंकि वो जो प्रत्याशी हैं उनसे पसंद कोई करता नहीं हो, मगर उसके बाद भी वो न चाहते हुए भी वोटिंग करने को भाजपा के लिए मजबूर है, वो बीजेपी को वोटिंग करने जा रहा है। बीजेपी को जीतने में जो नहीं था कोई दिक्कत होगी। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी और भी हैं, आपका क्या नजरिया है पूरे मझुआ को लेकर? मझुआ का जो इस समय चुनाव चल रहा है, उसमें तो लगता है कि जो भाजपा और सपा की लड़ाई है, लेकिन अगर ब्राह्मण मतदाता कहीं सपा भाजपा तरफ झुकता है, तो जो अभी सुनने में आ रहा है वहाँ के अनुसूचित या बसपा का वोट है, वो अनुसूचित का वोट भी सपा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ब्राह्मण मतदाता ने उनको छोड़ा, बसपा की तरफ से मोह भंग हुआ, तो बाकी अनुसूचित मतदाता भी सपा की तरफ जा सकते हैं। यही चूँकि लड़ाई त्रिकोणी फंसी हुई है, किसी भी तरफ जा सकती है, सब त्रिकोणी लड़ाई है। तो जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि सबका अपना नजरिया है, एक जगह वेट एंड वाच की स्थिति है, तो वही जो है ब्राह्मण सबसे बड़ा फैक्टर जो है चुनाव की जीत को लेकर के ब्राह्मण को बता रहे हैं कि जिस तरफ ब्राह्मण जाएंगे उन्हें की जीत सुनिश्चित होगी। फिलहाल आज चुनाव प्रचार थम गया है, कल का पूरा दिन है जो कि गुड़ा गणित जोड़ तोड़ के लिए एक तरह से आप आरक्षित कह सकते हैं रखा गया है, और 20 तारीख को चुनाव है, तो जो भी होगा चुनाव के पेटिका में 20 तारीख को बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर परिणाम में। और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या माहौल चल रहा है इस समय, क्या माहौल है भाई साहब? भाजपा का माहौल है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। यहाँ उपचुनाव में देख रहे हैं कि सारी पार्टियाँ लगी हुई हैं जी, किसका पड़ा भारी है? भाजपा का। अच्छा, उसके साथ सभी जातियां हैं ना, सभी जाति का वोट मिल रहा है, केवल गुमराह करने की बात है। समाजवादी पार्टी के लोग, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता गुमराह कर रहे हैं। अरे भैया, पंडित कुल चले गए बसपा में, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो जहां वोट देना है वो वोट देंगे, अब भाजपा को वोट देंगे। क्या मुद्दा रहा है यहाँ का? अरे भाई, मुद्दा तो सभी जनता जान रही है, सबको 5 साल का जो है आयुष्मान कार्ड, और 6 अगर किसी के राशन कार्ड में 6 यूनिट है तो उनको भी 5 लाख का कार्ड, और जिसको की उम्र 70 साल हो गई है उनको भी 5 लाख का कार्ड। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यहाँ हर पार्टियों के लोग हैं खड़े, मैं कुछ लोगों से और भी जानना चाहूँगा, ये हमारे पप्पू भाई हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये क्या चल रहा है इस समय माहौल, क्या इनके दुकानों पे क्या कितने लोग आ रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? क्या पप्पू भाई, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ माहौल सब पार्टी लड़ रही है, कोई किसी से कम नहीं है, लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा ये तो ऊपर वाला बताएगा। कौन जीतेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लोगों में और एक दो लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम जानेंगे, एक बुजुर्ग हमारे पास खड़े हैं, दादा कहाँ से हैं? अच्छा, एक लोग और हैं, इनसे भी पूछ रहे हैं जी। भाई साहब बताएं क्या माहौल है यहाँ पे? देखिए, माहौल त्रिकोणी है, जाति समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बसपा का है, और अगर बसपा भाजपा ब्राह्मण और जितना काटेगी उतना सपा को फ़ायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई विकास कार्य नहीं की है। मझुआ में ना तो मुख्यालय जाने के लिए रोड दी है, कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का 3 काम गिना दे कि मझुआ क्षेत्र के लिए किए तो हम बताएँ। माहौल क्या चल रहा है, किसको पड़ा जी इसके यहाँ पे भारी चल रहा है? इसमें बसपा और सपा सबसे ज़्यादा, अगर नंबर एक पे चल रहा तो सपा चल रहा है, उसके बाद ही भाजपा है, और भाजपा और नीचे जा सकती है अगर ब्राह्मण वोट नहीं कटेंगे तब, और नहीं तो भाजपा 20 हो जाएगी। यहाँ जात समीकरण का भी माहौल चल रहा है, और इसके बाद यहाँ के लोगों को स्त्री लड़ाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी मझुआ विधानसभा से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसका एहसास
एहसास उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टियों के लोगों को अच्छी तरह से है। आज बहुजन समाज पार्टी के मजबूती से चुनाव लड़ने की वजह से उत्तर प्रदेश के पूरी कैबिनेट उतर आई है मझवा विधानसभा में। अब समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मझवा विधानसभा की सम्मानित जनता ने बहुजन समाज पार्टी को इस बार मन बना लिया आशीर्वाद देने का। और इस बार चूंकि बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, यहाँ से 5 बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती है और इस बार भी मझवा की जनता बहुजन समाज पार्टी के खाते में ये सीट देने के लिए तैयार है। अपने भाई अपने बेटे दीपू तिवारी को बहुत मजबूती से दीपू के साथ खड़ी है और आने वाले 20 तारीख को दूसरा नंबर खाना चुनाव निशान हाथी के सामने वाली बटन दबाने के लिए पूरा मन बना चुकी है। अब पूरी बहुजन समाज पार्टी पूरा संगठन मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक एक घर घर जाकर गली गली जाकर गांव गांव घूमकर सब लोग एक साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है तो मझवा विधानसभा इतिहास रचेगी और आने वाला 2027 बहुजन समाज पार्टी का होगा और बहन कुमारी मायावती 2027 में मुख्यमंत्री बनेगी। नमस्कार, मैं भाजपा एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी सुचस्मिता मौर्य आप सभी के बीच में प्रत्याशी के रूप में आई हूँ और आप सभी से आग्रह अनुरोध करने के लिए आई हूँ कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर अधिक से अधिक वोट देकर के अपनी आवाज़ को सदन में पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे वह पहाड़ी ब्लॉक में महिलाओं के बच्चियों के पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है और सिंचाई के लिए पहाड़ी क्षेत्र में नहरों का सुदृढ़ीकरण करना हो, ये सभी कार्य मैं आपके आशा और उम्मीद पे खरा उतरने का प्रयास करूंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।